Hello everyone. In this lecture we will find the expression for voltage gain of a first order high pass Butterworth filter. And also we will solve some problems related to first order high pass filter. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम बनाते हैं। हाई पास फिल्टर, एक्टिव हाई पास फिल्टर के लिए हमको एक्टिव एलिमेंट भी यूज करना होगा। इस सर्किट में हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करेंगे, इसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के रूप में। और फिर इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ओपेम के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक पैसिव हाई पास फिल्टर कनेक्ट करेंगे और फिर वोल्टेज गेन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्किट बनाने जा रहे हैं एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ओपेम। इसके लिए हमने एक 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी लिया है, जिसमें कि दो इनपुट टर्मिनल हैं, एक माइनस इनपुट टर्मिनल जिसको कि हम इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, और दूसरा प्लस इनपुट टर्मिनल जो कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग इनपुट, पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, 6 आउटपुट, पिन नंबर 7 प्लस पावर सप्लाई, एंड 4 इज द माइनस बी माइनस पावर सप्लाई। आउटपुट इज एट पिन नंबर 6। इसको हमें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशन में यूज करना है, तो हम एक फीडबैक रजिस्टर यूज करेंगे RF, जो कि आउटपुट टर्मिनल, आउटपुट पिन और इन्वर्टिंग इनपुट से कनेक्ट होगा। ये RF है और एक रेजिस्टेंस R1 जो कि इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन को डिसाइड करेगा। रजिस्टर R1 कनेक्ट करते हैं और इस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर हम एक पैसिव हाई पास फिल्टर जो एक रजिस्टर और कैपेसिटर से यूज करके बनाएंगे उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो ये रजिस्टर और कैपेसिटर का कम्बिनेशन हमने यूज किया है फॉर हाई पास पैसिव फिल्टर। सी और आर इसकी वैल्यू है और इनपुट सिग्नल हम यहाँ कैपेसिटर और ग्राउंड के बीच में लगाएंगे। ये इनपुट सिग्नल है। यह है सर्किट डायग्राम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर। यहाँ हम लोड भी कनेक्ट कर दे रहे हैं, लोड वेरिएबल हो सकता है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन आप जानते हैं कि इसका फार्मूला है VO इक्वल्स 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, मीन्स यहाँ पिन नंबर 3 पर जो वोल्टेज होगा। तो यहाँ के वोल्टेज को हम V1 से इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो हमने इनपुट यहाँ पे अप्लाई किया है, इस इनपुट के इन्फ्लुएंस से यहाँ पर वोल्टेज V1 है। तो ये V1 होगा। यह है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज का, और इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो इनपुट अप्लाई हो रहा है उसका रिलेशन। इट मीन्स हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड करने के लिए V1 फाइंड करना होता है।
यहाँ का वोल्टेज, और यहाँ का वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमको इस कैपेसिटर और रजिस्टर के थ्रू करंट फाइंड करना होगा आई। और आप जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, ओप एम्प के इनपुट टर्मिनल्स जीरो करंट ड्रा करते हैं, इसलिए यहाँ जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है यहाँ से भी जीरो करंट ड्रा होगा, और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है यहाँ से भी जीरो करंट फ्लो होगा ओप एम्प में। मीन्स यहाँ इस जो हमने सप्लाई दिया है, इनपुट सिग्नल दिया है, अगर इससे आई करंट फ्लो हो रहा है तो ये आई करंट कैपेसिटर और इस रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड में जाएगा। इस करंट आई का कोई भी पार्ट यहाँ से इस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में नहीं जाएगा, यहाँ जीरो करंट जाएगा ओप एम्प के इनसाइड। इस इनपुट सिग्नल से जो भी करंट होगा वो इस कैपेसिटर और रजिस्टर के होते हुए ग्राउंडेड होगा। तो अगर हमें बी वन फाइंड करना है तो हम ये आई फाइंड करेंगे और इस करंट आई को मल्टीप्लाई करेंगे आर से, और इस आई को फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि इस लूप में यहाँ ये ग्राउंडेड है, ये ग्राउंडेड मीन्स दीज टू टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। तो इस करंट को फाइंड करने के लिए जो आई होगा, इस लूप में जो वोल्टेज है वी इन डिवाइड बाय टोटल इम्पीडेंस ऑफ दिस लूप। तो आप जानते हैं कि जो कैपेसिटर का इम्पीडेंस होता है वो माइनस जे एक्स सी होता है, तो यहाँ हम इस कैपेसिटर का इम्पीडेंस हो जाएगा माइनस जे एक्स सी, और ये आर है प्लस आर, ये है आई। हमको फाइंड करना है बी वन, इस करंट को अगर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी वन मिल जाएगा। इस तरह से जो बी वन होगा ये होगा आई इंटू आर, तो बी वन बी एन अपान, और एक्स सी को हम वन अपान ओमेगा सी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स सी इक्वल्स वन अपान ओमेगा सी, ओमेगा सी प्लस आर, ये तो हमने आई लिख दिया यहाँ, आई इंटू आर। इस तरह से हम बी वन को लिखेंगे आर अपन आर माइनस जे अपन ओमेगा सी इंटू बी एन, ये है बी वन यहाँ का वोल्टेज। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बी वन होगा आर अपान आर माइनस जे, और ओमेगा होता है टू पाई एफ, एफ इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, तो टू पाई एफ सी इंटू वी एन। इसको और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा आर अपान, मल्टीप्लाई होगा यहाँ टू पाई एफ आर सी माइनस जे अपान टू पाई एफ सी इंटू बी एन। तो बी वन होगा इस तरह टू पाई एफ आर सी, ये यहाँ न्यूमरेटर में जाएगा, अपन टू पाई एफ आर सी माइनस जे इंटू बी एन। अब इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जे मल्टीप्लाई करेंगे,
इससे ये हो जाएगा जे टू पाई एफ आर सी अपान, यहाँ जे मल्टीप्लाई करेंगे तो जे स्क्वायर, जे स्क्वायर माइनस वन होता है तो प्लस वन हो जाएगा, हो जाएगा वन प्लस जे टू पाई एफ आर सी। हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी जे मल्टीप्लाई किया तो वी वन। तो इस तरह से आउटपुट वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज वी ओ इक्वल्स, आउटपुट वोल्टेज यहां से होगा ये वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू बी वन, यहाँ वन प्लस आर एफ अपन आर वन और बी वन के जगह पे ये एक्सप्रेशन जे टू पाई एफ आर सी अपन वन प्लस जे टू पाई एफ आर सी इंटू वी एन। और वोल्टेज गेन इक्वल्स वी ओ अपन वी एन, वन प्लस आर एफ अपन आर वन को हम लिखेंगे ए एफ पास बैंड गेन, ये हो जाएगा ए एफ और जे टू पाई एफ आर सी हम थोड़ा रीएडजस्ट करेंगे इसको इस तरह से जे एफ अपान वन अपान टू पाई आर सी, इस टर्म को हमने रीएडजस्ट किया है इस तरह जे एफ अपान वन अपान टू पाई आर सी। ये एक्चुअली ये डिनोमिनेटर से दोबारा ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा तो इसको भी सिंप्लीफाई करें तो फिर यही सेम आएगा, हमने केवल इसको मैथमेटिकली रीएडजस्ट किया है। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे रीएडजस्ट, यहाँ भी हम इसको लिखेंगे जे एफ अपान वन अपान टू पाई आर सी। हमने केवल इन दोनों इसको और इसको एडजस्ट किया है मैथमेटिकली, अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर सेम यही आएगा। ये होगा एफ जे एफ अपन एफ एल अपन वन प्लस जे एफ अपन एफ एल, यहाँ पर हमने ये वन अपन टू पाई आर सी को हमने एफ एल से इंडिकेट किया है, एफ एल इज द लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर, वेयर एफ एल इज वन अपॉन टू पाई आर सी, ये लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर और एफ, एफ हमने ये लिख दिया है वन प्लस आर एफ अपन आर वन की जगह पे एफ लिखा है पास बैंड गेन ऑफ द फिल्टर, सो एफ इज द पास बैंड
गेन ऑफ फिल्टर। तो इस तरह से हमने गेन का एक्सप्रेशन फाइंड किया, वी ओ अपॉन वी इन इक्वल्स एफ जे एफ अपॉन एफ एल अपॉन वन प्लस जे एफ अपॉन एफ एल। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल। एफ इज द पास बैंड गेन ऑफ द फिल्टर एंड एफ एल इज 1/2 πRC इज द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर। अब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ हाई पास बटरवर्थ फिल्टर बनाने जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मीन्स द कर्व बिटवीन गेन ऑफ द एम्पलीफायर विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व हम सेमी लैग पेपर पर बनाते हैं। यहाँ हम वोल्टेज गेन इंडिकेट कर रहे हैं, वोल्टेज गेन इक्वल्स आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। हाई पास फिल्टर है तो शुरुआत में गेन बहुत कम होगा और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे गेन बढ़ता जाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर गेन मैक्सिमम वैल्यू का मैक्सिमम गेन का 0.707 टाइम्स हो उसको कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर। सपोज दैट ये एएफ है मैक्सिमम गेन, ये पास बैंड गेन ऑफ द पास बैंड है, पास बैंड गेन का ये एएफ है। ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर गेन ऑफ द फिल्टर पास बैंड गेन का 0.707 टाइम्स हो, 0.707 AF, AF पास बैंड गेन है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर गेन पास बैंड गेन का 0.707 टाइम्स हो उसको कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर। अगर हम गेन डीबी में रिप्रेजेंट करें, गेन अगर हम डीबी में रिप्रेजेंट करते हैं तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर गेन मैक्सिमम गेन से 3 dB डाउन हो। मीन्स ये जो डाउनफॉल है गेन में ये 3 dB होना चाहिए अगर हम गेन डीबी में रिप्रेजेंट करते हैं। द फ्रीक्वेंसी एट विच गेन इज 3 dB बिलो द मैक्सिमम गेन ऑफ द फिल्टर, द गेन द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन इज 3 dB बिलो द पास बैंड गेन इज नॉन एज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाई पास फिल्टर। आप देख रहे हैं कि जब हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से भी कम फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करें लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से तो ये जो स्लोप है ये होगा 20 dB पर डिकेड, 20 dB पर डिकेड है। कहने का मतलब है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी 10 times डिक्रीज कर दें
तो गेन ऑफ द फिल्टर 20 dB कम हो जाएगा। इसी तरह से कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से कम अगर फ्रिक्वेंसी है और हम फ्रिक्वेंसी को 10 टाइम्स इंक्रीज कर दें, अगर फ्रिक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से कम रीजन पे फ्रिक्वेंसी को हम 10 टाइम्स इंक्रीज करें तो गेन ऑफ द एम्पलीफायर 20 dB बढ़ जाएगा। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे 10 टाइम्स अगर बढ़ाएंगे फ्रिक्वेंसी तो गेन 20 dB पर डिकेड बढ़ेगा, मीन्स फ्रिक्वेंसी 10 टाइम्स बढ़ाएंगे तो गेन 20 dB बढ़ेगा। इसी तरह से अगर फ्रिक्वेंसी हम कम करेंगे तो गेन 20 dB पर डिकेड के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। तो ये लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से अबव जो फ्रिक्वेंसी है इसको कहेंगे हम पास बैंड, और लोअर कट ऑफ से कम फ्रिक्वेंसी को कहेंगे स्टॉप बैंड। यह फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ हाई पास फिल्टर। अब हम आगे देखेंगे कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर डिजाइन करते हैं। डिजाइन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। सबसे पहले तो हम फिल्टर सर्किट देखेंगे, ड्रा करेंगे और फिर फिल्टर सर्किट के कंपोनेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप, वी ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर। ये हमने सर्किट डायग्राम बनाया है और इनके कंपोनेंट को हमें फाइंड करना होगा, मीन्स हमें R1 निकालना है, RF निकालना है, C और R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो R1 और RF फाइंड करने के लिए हमें इस फिल्टर का पास बैंड गेन पता होना चाहिए और C और R की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फिल्टर का कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पता होना चाहिए। हाई पास फिल्टर है तो हमें इसका लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप, चूज ए वैल्यू ऑफ लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। फर्स्ट हम या तो प्रॉब्लम में दिया रहेगा या हम ये डिसाइड करेंगे कि हम किस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए हमें हाई पास फिल्टर बनाना है। चूज ए वैल्यू ऑफ लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। सबसे पहले हमें FL डिसाइड करना है, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। उसके बाद FL इक्वल्स 1/2 pi RC। तो इस रिलेशन से हम R या C की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम कैपेसिटर की वैल्यू चूज कर लेते हैं और फिर कैपेसिटर की वैल्यू इसमें रख करके हम R फाइंड करेंगे। तो ये रिलेशन है, इसको हमें यूज करना है। तो फर्स्ट हम चूज द वैल्यू ऑफ C और ये लेस देन आर इक्वल टू 1 μF। कैपेसिटर की वैल्यू हम 1 μF से कम लेंगे या मैक्सिमम इसके इक्वल लेंगे। उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे आर इस रिलेशन से, कैलकुलेट आर यूजिंग इक्वेशन 1
FL हमने डिसाइड किया था पहले ही, C की वैल्यू हमने चूज किया, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें R की वैल्यू पता चल जाएगी। देन सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ R1 एंड RF, सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ R1 एंड RF यूजिंग AF जो कि पास बैंड गेन है 1 प्लस RF अपॉन R1। इसमें से या तो हम R1 ले लेंगे तो RF कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर RF चूज करेंगे सेलेक्ट करेंगे तो R1 कैलकुलेट कर लेंगे। तो गेन हमें डिसाइड होना चाहिए कि कितने गेन के लिए हमें ये हाई पास फिल्टर डिजाइन करना है। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं, और प्रॉब्लम इस तरह से है, डिजाइन ए हाई पास फिल्टर एट ए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 kHz विथ पास बैंड गेन ऑफ 2। इसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL 1000 Hz है, और पास बैंड गेन दिया हुआ है, पास बैंड गेन है AF इक्वल्स 2। तो इसमें हम C की वैल्यू चूज करते हैं, लेट C हम 1 μF से कम हमें लेना है। सबसे पहले हम C की वैल्यू चूज कर लेते हैं, सपोज दैट C हम ले रहे हैं 0.01 μF, और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का रिलेशन है FL इक्वल्स 1/2πRC, FL 1000 Hz है, 1/2πR, और C की वैल्यू हमने लिया है 0.01 × 10⁻⁶। तो इससे हम R कैलकुलेट करेंगे इस रिलेशन से, जब इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आएगी 15.9 kΩ। और हमको फाइंड क्या क्या करना है, हाई पास फिल्टर के सर्किट के अकॉर्डिंग हमको RF फाइंड करना है, R1 फाइंड करना है, C और R। C हमने चूज कर लिया है, R हम कैलकुलेट करेंगे, R हमने कैलकुलेट किया 15.9 kΩ, R1 और RF फाइंड करना है। तो गेन का फार्मूला आप जानते हैं पहले से, कि हाई पास फिल्टर का पास बैंड गेन AF होता है 1 प्लस RF अपन R1, और गेन दिया हुआ है, AF की वैल्यू दी हुई है 2, 2 = 1 + RF/R1। अब हम इसमें गेन हमें 2 चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन से RF = R1 होगा, RF = R1। सपोज दैट R1 हम लेते हैं 10 kΩ, तो R1 और RF सेम होंगे। तो इस तरह से जो हाई पास फिल्टर है इसमें सारे वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किए हैं इस वैल्यू के एलिमेंट यहाँ पे हम लगा देंगे, R1 10 kΩ, RF भी 10 kΩ होगा क्योंकि R1 इक्वल्स RF, और R की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था
ये 15.9 और सी हमने चूज किया था 0.01 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ आर हो जाएगा 15.9 किलो ओम और सी की वैल्यू 0.01 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से हाई पास फिल्टर डिजाइन करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमको लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पता होना चाहिए, उसके बाद फिर किस गेन के लिए डिजाइन कर रहे हैं गेन मालूम होना चाहिए, फिर कैपेसिटर की वैल्यू हम 1 माइक्रोफेरेड से कम चूज करेंगे और इसको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वाले इस रिलेशन में रख के आर कैलकुलेट कर लेंगे, गेन हमको पता रहेगा। तो इस इक्वेशन से आरएफ और आरओन में से कोई एक हम चूज करेंगे, एक चूज करने से हमें दूसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा बाय कैलकुलेशन, क्योंकि हमें एएफ दिया रहेगा। तो इस तरह से हम हाई पास फिल्टर डिजाइन करते हैं।